डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, इस केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अभी एक नए चैप्टर की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। इस एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोगों ने एल्डिहाइड से रिलेटेड आईयूपीएसी नाम को सीखा है। हालांकि सबसे फर्स्ट में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जाना कि किसे हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे और किसे कीटोन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आइए देखते हैं कि कीटोन का आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं। हालांकि इसके लिए भी कुछ रूल्स नियम हैं। अब कीटोन के आईयूपीएसी के नाम लिखने के लिए कौन कौन से बात को फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम लोग पीसी चुनते हैं। पीसी का मतलब तो अब पुराने चीज़ हो गए ये सब, प्रिंसिपल चैन। फिर बोला कि जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। पहला सिचुएशन, अगर मान लिया ऑक्सीजन जो है फेल हो जाता है, ऑक्सीजन दोनों तरफ से बराबर होता है, तब हम लोग किसके आधार पर करेंगे, तब हम लोग सब्टिचुएंट देखेंगे, सब्टिचुएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। अगर मान लिया सब्टिचुएंट भी फेल हो जाता है, सब्टिचुएंट भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जब सब्टिचुएंट फेल हो जाता है तब हम लोग अल्फ़ाबेट के आधार पर करेंगे। ठीक है, तब किसके आधार पर, अल्फ़ाबेट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। और याद रहे इसमें सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, ऑन जोड़ा जाता है, क्या जोड़ेंगे, ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पीसी चुनेंगे, दूसरा में क्या सीखे कि ऑक्सीजन परमाणु जिधर से नज़दीक पड़ेगा नंबरिंग करेंगे, अगर ऑक्सीजन फेल करता है तब हम लोग सब्टिचुएंट देखेंगे, अगर सब्टिचुएंट फेल हो जाए तो अल्फ़ाबेट के आधार पर, अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट पे आधारित हो ही जाता है, फिर यहाँ पे लिखेगा सब्जेक्ट सफिक्स में ऑन जोड़ते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जांपल करेंगे क्योंकि हम लोगों ने रूल्स सीख लिया था। अब एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दोस्तों ऐसा है, CH3 CH2 C डबल ओ, फिर है CH2 CH3। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, सबसे पहले पीसी चुनना है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि ये कीटोन है, तो कार्बोनिल मूलक, देख रहे हैं सी डबल ओ है, इसी कार्बोनिल मूलक से एक तरफ जुड़ा हुआ है ये कार्बन, एक तरफ ये कार्बन। तो हालांकि हम लोग सीखे कि सभी कार्बन को लेकर एक पीसी चुनेंगे, पीसी चुन लेंगे। अब इसमें जो है हम लोगों को नंबरिंग करना है दोस्तों, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ तो ऑक्सीजन है, या तो आप यहाँ से शुरू करो वन, या तो यहाँ से शुरू करो वन। ठीक है, अगर यहाँ से हम वन शुरू करते हैं तो 1 2 3 पे ऑक्सीजन पड़ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे ऑक्सीजन। तो या तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन तो दोनों तरफ से बराबर हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन फेल, तो ऑक्सीजन जब फेल हो जाता है तो अदर सब्टिचुएंट भी नहीं है। जब अदर सब्टिचुएंट है ही नहीं तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लो भाई, हमको मना, इधर से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और कार्बोनिल मूलक कितना पे है, ऑक्सीजन कितना पे जुड़ा हुआ है, 3 पे, तो इसका नाम लिख देना है 3। और कितना कार्बन का चैन है, 5 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि 3 पेंटेनॉन, क्योंकि पेंटेन में क्या जोड़ेंगे, ऑन। ध्यान दीजिएगा हम लोग लिखे हुए रूल्स कि सफिक्स के रूप में ऑन जोड़ा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा पेंटेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, CH3 CH CH AT C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे तो PC चुनना है। ठीक है,
अब पीसी चुनना है आपको। पीसी का मतलब होता है सबसे ज्यादा कार्बन वाला चैन। एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन है, लेकिन छवों कार्बन पीसी में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि छः कार्बन पीसी बन ही नहीं सकता है। इसलिए आप पाँच कार्बन का पीसी बनाएंगे, ऐसे बनेगा पाँच कार्बन का पीसी। ठीक है, अब इस पीसी वाले कार्बन में आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से। अगर आप लेफ्ट से करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन देखना है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तीन पे ऑक्सीजन, एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर, आपका ऑक्सीजन फेल। देख लो भाई, ऑक्सीजन फेल क्यों हो रहा है देख लो, क्योंकि इधर से भी तीन नंबर पे ऑक्सीजन, इधर से भी तीन नंबर। जब ऑक्सीजन दोस्तों फेल करता है, ऑक्सीजन फेल करता है, तब हम लोग अदर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो अदर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, एटी और CH3। अब ये देख रहे हैं कि कितना नंबर पे पड़ रहा है, तो एक दो नंबर पे पड़ रहा है और चार नंबर पे। इधर से कर रहे हैं तो दो पे सब्स्टिट्यूएंट, चार पे सब्स्टिट्यूएंट। इधर से कर रहे हैं तो एक दो पे सब्स्टिट्यूएंट और तीन चार पे सब्स्टिट्यूएंट। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों चीज़ फेल है, सब्स्टिट्यूएंट भी फेल है, सब्स्टिट्यूएंट के आधार पे भी ऑक्सीजन भी फेल हो गया। तब एक ही उपाय बचता है, वो है अल्फ़ाबेट। तो अगर आप अल्फ़ाबेट लगाएंगे तो किधर किसका नाम सबसे पहले, अल्फ़ाबेट ABCD में उसका सबसे पहला नाम आता है, तो एटी। एटी का मतलब अनस्टेटाइन, एटी का मतलब क्या होता है, अनस्टेटाइन। CH3 का मतलब होता है मिथाइल, तो मिथाइल का अंग्रेजी M से शुरू होता है, लेकिन अनस्टेटाइन का अंग्रेजी A से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेट में ABCD में A आता पहले है कि M पहले आता है, A पहले आता है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अदर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। जैसे अदर सब्स्टिट्यूएंट में एटी हो गया, CH3, ये तो कार्बोनिल मूलक हो गया ना, तो इसका नाम पीछे लिखेंगे। सबसे पहले टू पे क्या जुड़ा हुआ है, अनस्टेटाइनो, टू अनस्टेटाइनो कॉमा, फोर पे क्या है, मेथिल, फोर मेथिल, और कितना पे कार्बोनिल है, तो तीन पे कार्बोनिल मूलक है, तो थ्री कितना कार्बन चैन है, पांच कार्बन चैन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि थ्री पेंटेनॉन। ठीक है, थ्री पेंटेनॉन, क्यों, क्योंकि तीन पे कार्बोनिल मूलक है, इसलिए इसका नाम होगा थ्री पेंटेनॉन। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, CH3 COO CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे हम लोग इसको लेकर एक कार्बन चेन चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे एक कार्बन चेन चुन लेंगे। अब इसको हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबर वन यहाँ से शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे, यहाँ होगा वन, यहाँ टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पे हम वन से क्यों शुरू किए, क्योंकि ऑक्सीजन पहला, तो ऑक्सीजन देखना होता है, ऑक्सीजन इधर दो नंबर पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दो पे कर दिए ऑक्सीजन। टू पे क्या है, कार्बोनिल मूलक, तो यहाँ हो जाएगा टू, और पांच कार्बन का चेन है तो टू पेंटे नॉन, ऑन जोड़ते हैं ना, टू पेंटे नॉन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्या बोला जा रहा है फोर में। तो फोर कुछ इस तरीके से है, दिख पा रहा होगा आपको, फोर नंबर में CH3
CH3। ठीक है, देख पा रहे होंगे ये हम लोगों का क्वेश्चन है और इसका हम लोगों का IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, PC चुनना होगा। PC में क्या करते हैं, कार्बन को लेकर प्रिंसिपल चैन चुनते हैं। ये हम लोगों को कार्बन को लेकर प्रिंसिपल चैन हो गया, कार्बन को लेकर PC चैन हो गया। ये कार्बन को लेकर PC चैन हम लोग चुन दिए हैं। ठीक है, अब ये कार्बन को लेकर हम लोग जब PC चैन चुन दिए हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग कार्बन को लेकर PC चैन चुनने के बाद सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, दोनों छोरों से देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे पड़ रहा है, 1, 2, 3 पे। इधर से भी 1, 2, 3, तो दोनों तरफ से कार्बोनिल मूलक 3 पे पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन वाला फेल हो गया। तो जब ऑक्सीजन फेल हो जाता है तो अदर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, अदर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। यहाँ पे अदर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन इधर से कितना नंबर पे पड़ेगा, 2 पे। इधर से कितना नंबर पे पड़ेगा, 4 पे, 1, 2, 3, 4। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो नंबरिंग हो गया। अब 2 पे क्या है, क्लोरो, तो 2 हो गया, 2 क्लोरो कॉमा। अब 3 पे ना हो गया यहाँ पे कार्बोनिल मूलक, तो यहाँ हो जाएगा 2 क्लोरो 3। 5 कार्बन का PC है तो 3 पेंटेनॉन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 पेंटेनॉन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है। CH3 CH2 CO ऑक्सीजन CH 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 एंड CL CH3। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 F एंड यहाँ से जुड़ा हुआ है, सपोज दैट यहाँ से नहीं, यहाँ से जोड़ देते हैं C2H5। यहाँ पे जुड़ा है C2H5 और यहाँ पे H2 है। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले PC चुनेंगे, और PC चुनेंगे क्या, किसको लेकर, तो कार्बोनिल वाला मूलक को लेकर। ये कार्बोनिल वाला मूलक कार्बन है, तो सबसे पहले हम लोग PC का मतलब समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये PC में हम लोग इसको शामिल करेंगे, ये हम लोगों का PC बन रहा होगा। ठीक है, ये हम लोगों का क्या बन रहा होगा, PC बन रहा होगा। ठीक है, ये हम लोगों का PC है। अब ये PC बन रहा है, इस PC का एक छोर ये है और एक छोर ये है। कुछ भी हो जाए हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कितना नंबर पे पड़ रहा है, क्या ऑक्सीजन फेल हो रहा है। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन इधर से कितना नंबर पे पड़ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, इधर से 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग इधर से सिंपल नंबर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का नंबरिंग हो गया। अब ज़रा सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर करते हैं, तो यहाँ पे 1 पे क्या है, फ्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फ्लोरो कॉमा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मेथिल या मिथाइल इसको लिख सकते हैं, 3 मेथिल। फिर आगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बोनिल मूलक है, इसको हम लोग पीछे लिखते हैं। 5 पे क्या है, एथिल। 5 पे क्या हुआ, एथिल। फिर 7 पे क्या हुआ, क्लोरीन, तो क्लोरो, 7 क्लोरो। ठीक है,
फिर बात किया जाए तो 8 पे कुछ नहीं, तो 7 क्लोरो तक लास्ट कर देंगे। लेकिन कितना पर कार्बोनिल मूलक है? 4 पर, तो 4 लिख दिया। और कितना कार्बन का चैन है? तो चैन में टोटल 8 कार्बन है, तो 8 पर क्या आता है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेफ्ट ऑक्ट, 8 पे ऑक्ट आता है, तो इसका हो जाएगा ऑक्टे नॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे यहाँ पे। चलिए अब हम लोग कुछ और कीटोन में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं यहाँ पे, तो आप ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो होमवर्क्स के तौर पे जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, IUPAC नाम लिखिएगा, ये सब कीटोन का IUPAC नाम है। CH3 CHF दूसरा CH3 CH2 CH3 CH3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, थर्ड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, CH2 CL CH फ्लोरीन, यहाँ पे कार्बोनिल मूलक है CH3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से अलग है। ठीक है, ये हम आपको ये कर दिए ताकि पहचान में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 F CH3, ये पांचवा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, छठा CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, CH3 CH3 CH CF3 CO CH2 और CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8, CH3 CH CH2 CH3 CH2, यहाँ पे CL। ठीक है, फिर यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ CH फ्लोरीन CH ब्रोमीन CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप अच्छे से कीटोन का IUPAC नाम लिखिएगा, कोई हार्ड इसमें है नहीं। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, आप अच्छे से लिखिएगा, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड का निर्माण, एल्डिहाइड के निर्माण। ठीक है, एल्डिहाइड के निर्माण,
निर्माण, ये हम लोगों को टॉपिक्स देना है एल्डिहाइड के निर्माण। अब एल्डिहाइड का निर्माण टॉपिक्स देना है, इसके नीचे फर्स्ट एरो देना है, लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ टॉपिक में कि एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनाया जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, फर्स्ट एरो देंगे, यहाँ पे लिखा जाए प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। चलिए, तो एल्डिहाइड का अगर कोई पूछेगा कि एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, तो ज़रा देख लीजिए हम लोग एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए रूल है, क्या रूल है, तो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला होता है RCH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम लोग जब कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर अभिक्रिया कराएंगे, उच्च ताप, अक्सर उच्च ताप में हम लोग 573 केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, उच्च ताप कहने का मतलब कितना ताप, लगभग 573 केल्विन के आसपास, 573 केल्विन। तो हम लोगों को क्या क्या बनता है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग RCHO, ये बन गया हम लोगों को क्या, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और प्लस क्या, तो हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे एल्डिहाइड और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लिया CH3CH2OH, यह क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, और इस प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम लोग कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन की ताप अगर यूज करेंगे, तब हम लोगों को बनेगा क्या, तो ये CH3CH2OH है, तो ये CH3 तो रहेगा ही रहेगा, CH3 और एक कार्बन भी रहेगा, कार्बन और यहाँ पे कार्बन, लेकिन एल्डिहाइड बनाना है तो एक हाइड्रोजन जुटेगा, तो जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुट गया तो हम लोगों को बाहर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन था ना, तो अच्छा हाँ दो कार्बन, ठीक तो है, दो कार्बन था, दोनों कार्बन रह गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 5 था और एक 6 था, तो यहाँ हाइड्रोजन 3 और एक 4 है, तो H2 बाहर हो जाएगा, ये हम लोगों का एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लिया प्राइमरी अल्कोहल का यूज करना है यहाँ पे, तो प्राइमरी अल्कोहल में हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कराना है कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, यानी कि ये दिखाता है उच्च ताप, तो जब उच्च ताप पर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा, कार्बोनिल मूलक, और एक कार्बन तो यहाँ पे हो गया, बाकी टोटल कार्बन कितना है, 3 कार्बन, तो यहाँ पे CH2CH3, ठीक है, 3 कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिए और प्लस H2 बाहर हो गया, तो इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का एल्डिहाइड। क्यों एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोनिल मूलक से एक कार्बन जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब ये कार्बोनिल मूलक की कैटेगरी में हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं, किसके सिवा, तो प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन कराकर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का जो निर्माण करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं। अब लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड के गुण के बारे में कि एल्डिहाइड के क्या क्या गुण हैं, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एल्डिहाइड के निम्नलिखित गुण हैं, एरो देकर लिखेंगे एल्डिहाइड के निम्नलिखित गुण हैं, नंबर 1
वन में लिखेंगे एल्डिहाइड के क्वथनांक, एल्डिहाइड के क्वथनांक अल्कोहल की तुलना में कम होता है, अल्कोहल की तुलना में कम होता है। दूसरा, एल्डिहाइड में अप्रिय गंध होते हैं, अप्रिय, अप्रिय का मतलब जिससे प्रिय नहीं हो, अप्रिय, अप्रिय गंध होते हैं। तीसरा, एल्डिहाइड जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय, विलेय, विलेय जानते हैं ना, विलेय का मतलब घुलनशील, विलेय होते हैं। और चौथा, चौथा लिखा जाए, एल्डिहाइड में सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड गैस अवस्था में पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस अवस्था में पाया जाता है। बाकी अन्य एल्डिहाइड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए, तो एल्डिहाइड के गुण कौन कौन से हैं? तो पहला तो गुण ये बोला कि एल्डिहाइड का जो क्वथनांक होगा अल्कोहल से कम होता है। एक तरफ अल्कोहल है, एक तरफ एल्डिहाइड है, तो ये दोनों में क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबाला जाए तो किसका कम होगा, तो एल्डिहाइड का कम होगा अल्कोहल के अपेक्षा, यानी कि अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड का इसके अपेक्षा कम होता है। दूसरा में लिखे हुए हैं कि एल्डिहाइड में एक अप्रिय गंध पाया जाता है, यानी कि ये सौगंध पूर्व, सौगंध वाला ये यौगिक नहीं है, इसमें अलग अप्रिय गंध आते हैं, अप्रिय का मतलब जिसे लोग पसंद नहीं करते हों। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि यह जल में हमेशा आसानी से विलेय हो जाता है, विलेय का मतलब घुल जाता है, क्योंकि जल तो विलायक न है, हम लोग 90% केस में जल को विलायक मानते हैं, तो एल्डिहाइड जो है जल में क्या है, विलेय है। और दूसरा बात, जैसे कि अल्कोहल में देखें ना कि मेथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, तो सभी तो अल्कोहल ही हुआ, लेकिन दोस्तों वैसे ही एल्डिहाइड में भी इसके बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड भी है एक ठो, और यही फॉर्मल्डिहाइड जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, जो एल्डिहाइड की श्रेणी में आता है, यानी कि एल्डिहाइड की श्रेणी में आने वाला फॉर्मल्डिहाइड गैस अवस्था में पाया जाता है। बाकी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जो होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि एल्डिहाइड के बाकी जो कैटेगरी हैं, एल्डिहाइड के जो बाकी कैटेगरी हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके थे एल्डिहाइड, हालांकि अभी हम लोगों का एल्डिहाइड के बारे में काम पूरा नहीं हुआ है, एल्डिहाइड का उपयोग और इसका अभिक्रिया अभी हम लोगों को बाकी है, और इसके अलग अलग टाइप्स जो हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड के भी बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोगों को ये चैप्टर शुरुआत हुआ है तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, और साथ साथ कीटोन का भी हम लोगों का काम करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ IUPAC नाम ही सीखे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा, हालांकि हम लोग सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।